रसूले मुजतबा कहिए मोहम्मद मुस्तफा कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। एक सवाल जनाब आसिम साहब करते हैं, लेकिन कहां रहते हैं ये वो नहीं लिखा है। सवाल करते हैं, क्या पर्स में कोई दुआ ये आयत लिखकर पैंट की जेब में रख सकते हैं, जबकि पर्स पैंट की पिछली जेब में रखा जाता है। सवाल से ये जाहिर हो रहा है कि आपको इस बात का एहसास है कि इस तरह से पैंट की पिछली जेब में रखना एक तरह की बेहुर्मती और बेइज्जती है, तो कलामे इलाही उसकी आयत है या रसूल अकरम की बताई हुई कोई दुआ है? अगर इस तरह की चीज है और आपके दिल में यह खटका है तो हरगिज ना रखें उसे। पर्स में ऐसी चीज लिखकर और फिर उसको पिछली जेब में रखें, फिर जब आप बैठते हैं तो कभी कभी उसके ऊपर भी बैठते हैं, तो इस तरह की कोई भी चीज जिससे आपके दिल में ये पैदा हो रहा है कि अल्लाह के नाम की तौहीन हो रही है, रसूल के नाम की, कुरान की आयत की, रसूल अकरम की बताई हुई दुआ की तौहीन हो रही है, तो इससे हमें बचना चाहिए और अपने आप को अलग रखना चाहिए, ऐसा ना काम ना करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।